सबको एक अपना फरमान सुनाएंगी। चलो शेख जी, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हें मिलवा के लाता हूँ। और रुखसाना, तुम भी चलो। ठीक है भाई जान, बिल्कुल चलेंगे, रानी भाई बाबू को देखेंगे। ठीक है भाई जान, ले जाओ ना, दिखा लो, हमने तो कितनी बार देखी है। कोई बात नहीं रुखसाना, चलो देखने चलते हैं, हम भी देख लेंगे। चलो चलो तो चलो जी, चलो मेरे भाई देख लेंगे। हाँ चलो चलो। भाई क्या हुआ? भाई रहमान ना जाने का चोरी का पता चल रहा है। हमारा रहमान भाई यहाँ रहना ठीक नहीं, निकल दो। नहीं नहीं, हमारा यहाँ रहना जरूरी है, नहीं तो गांव वाले सब करेंगे। चुप बैठ जाओ। ठीक है रहमान भाई। क्या हुआ भाई यार, आप खुसर फुसर कैसे कर रहे हो? दूल्हा भाई, आपको पता नहीं रानी बहुत खतरनाक है। खतरनाक है? मैं दिखलाओ तो सही। देखो, हमने ये सभा इसलिए बुलाई है कि हमारे खजाने से चोरी हुई है, और जो भी चोर है वो सामने आ जाए, हम उसे बख्श देंगे और उसे सजा नहीं देंगे। रानी साहिबा, हमने चोरी नहीं की। जो कोई चोर का पता बताएगा हम उसे इनाम देंगे। आप कौन हो? आप हमारे इलाके के तो नहीं लगते। रानी साहिबा जी, हम तो आपसे मिलने आए थे। कौन हो आप? में से कौन जानता है इनको? हाँ रानी साहिबा, ये हमारे बहनों ही हैं, 10 दिन से आए हुए हैं। क्या 10 दिन से आया हुआ है? आज जाने को बोला तो कह रहे हो कि दर्शन करा लाओ। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारा? शेख चिल्ली है जी। शेख चिल्ली, तुम ये बताओ क्या काम करते हो? अरे काम क्या, पता रुखसाना को लेने आया था, मैं सोचा आपके दर्शन कर लूं। और मुझे क्या पता था मैं यहाँ फंस जाऊंगा इस पूछताछ में। देखो, हम तुम्हें चोर नहीं बता रहे, तुम रहमान के रिश्तेदार हो तो हमारे भी हो। रानी जी, हमें तो आपकी मिलने की बात थी, 10 दिन से इनके घर में पड़ा हूँ, वरना तो अम्मी अब्बू एक दिन घर से नहीं निकले देते मुझे तो। देखो, जो भी चोर का पता बताएगा हम उसे उचित इनाम देंगे। और तुम्हें पता है, सच्ची बात करने वाला जन्नत में जाता है और उसे ही जन्नत मिलती है। अब्बू तुम्हें बता, इन चाचा का लौटा निर्दोष था, निर्दोष निकला, छुटका आ गया। सब ये सच्चाई ही सच्चा था बिल्कुल बेटा। अब सच्चाई ऐसी होती है बेटा, सच की हमेशा। बेटा रे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह को हमेशा सच्चाई पसंद है, वो सच्चों का साथ देता है। अगर तुम्हें जन्नत में जाना हो
तो हमेशा सच बोलने की आदत डाल। सच बोलने में चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, पर कभी सच का साथ मत छोड़ना। हाँ जी रानी साहबा, मैं जानता हूँ चोरों को, मैंने अपने कानों से सुना, वो झूठ हो या सच हो। बोलो क्या सुना है तुमने? रानी साहबा, रहमान मेरा साला है, ये चोर है। खबरदार, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो। हाँ रानी साहबा, रात में पखाने नहीं जा रहा था तो मैंने चुपके से इनकी आवाज सुनी, ये बंटवारे की बात कर रहे थे। महामंत्री, इन लोगों पर नजर रखो, अगर ये भागने की कोशिश करें तो इनके सर धड़ से अलग कर दिए जाएं। जी महाराज, बहुत ही बात हो। शेख जी, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जाना जरा। चलो आओ भाई। तुमने अच्छा नहीं किया ना चोर बताकर। भाभी, ये तो पागल बने इनका, जो मैं झेल रही हूँ ये तो मैं अबू अम्मी की शर्म कर रही हूँ, ना तो मैं इनसे तलाक ले लूं। अगर चोरी साबित नहीं हुई तो बेइज्जती होगी या नहीं? मैंने जो सुना बता दिया, मैं क्या जानू, मैंने सोचा सच बोल दूं। चोरी का माल मिल गया है। शेख सिंधी जी, आपको रानी साहिबा ने बुलाया है और इनको इनाम दिया जाएगा। क्या चोर भाईजान ने चोरी की? चलो, रानी साहिबा इतना इंतजार नहीं करती हैं। चलो चलो तुम चलो। हाँ चलो भाभी, देखते हैं चल भाई, चल 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 चल। आओ और अंदर जाओ। देखिए रुको, जो इनाम मिलेगा आधा मैं दूंगा, ठीक ले लिया आधा ले लिया। हाँ भाईजान, हमें ना चाहिए कुछ भी, तुम ही ले लेना। अरे तुम्हें इनाम की पड़ी है, हमारा तो जीव ऐसी कलेश में हो रहा है। चलो खजाना मिल गया, हम आपको मुंह मांगा इनाम दे। मांगो जो मांगना है, आपको ईमानदारी का फल मिलेगा। देखिए रुको, जो इनाम मिलेगा आधा मैं दूंगा, अकेले ले लिया आधा ले लिया। हाँ भाईजान, हमें ना चाहिए कुछ भी, तुम ही ले लेना। अरे तुम्हें इनाम की पड़ी है, हमारा तो जीव ऐसी कलेश में हो रहा है। चलो बेटा, आधा इनाम लेगा, मैं तुझे पूरा का पूरा नाम देता हूँ लालची कहीं के। रानी साहिबा, मुझे इनाम में पूरे 100 जूते मारे जाए। ऐसा क्यों? यह मेरी मर्जी है रानी साहिबा, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मांग सकता हूँ अपने वचनों में। ठीक है ठीक है, आप अपना इनाम लो, तैयार हो जाओ। रानी साहिबा, मेरे इनाम में आपका ये सिपाही भी शरीक है। अच्छा, वो कैसे शेख चिल्ली? वो इसलिए कि इसने मेरे रास्ते में कहा था, इसलिए जो इनाम वहां मिलेगा उसमें से आधा मैं दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे पूरे 100 जूते अपने सिपाही को दे दो। रानी साहिबा माफ कर, रानी साहिबा माफ। कोई माफी नहीं है, तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी। ठीक है, हम आपको इनाम देंगे। हम करेंगे जी रानी साहिबा, इनको बंदी कहने के ज्यादा 100 रुपए मारे जाए। आओ। जी हाँ।
नजर आने का, सही है? शेख जी तुम्हारा मौका अच्छा, शेख जी तुम्हारे पास अच्छा मौका था, माल मांग लेते। शेख जी तुमने तो बहुत बड़ी गलती करी, अपने साले की रिहाई मांग लेते और रानी साहिबा का तो माल मिल ही गया था ना। देखो भाभी, ईमानदारी हमेशा फलती फूलती है और उसका साथ देगा मैं गुनाहगार बनता? लगने तो ठोकर, क्या पता आगे जाकर सुधरी जा। भाभी लगने तो भाईजान को टक्कर, क्या पता सुधरी जाए, और जब तक भाईजान नहीं आएंगे हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। चलो 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 भाभी। कितने लालची हो, शेख जी ने तुम्हें मांगा है, अगर वो हमसे इनाम मांगता तो हम उसे इनाम भी देते। उसने तो अपने रिश्तेदारों तक को भी चिढ़ाया, वो तुम्हारी औकात दिखा के चला गया, तुम्हारी औकात दिखा कर चला गया। मंत्री जी और रानी साहब, इसका वेतन आधा कर दिया जाए। जो आज्ञा रानी साहिबा। और आज हम बहुत खुश हैं रानी साहिबा, इस खुशी के मौके पे कुछ नृत्य हो जाए। ठीक है, हम भी नृत्य देखना चाहेंगे। मंत्री जी। जी रानी साहिबा। नृत्य क्यों को पेश किया जाए? जो आज्ञा रानी साहिबा, मैंने तो उसका पहले ही इंतजाम कर दिया है। सिपाही जी, नृत्य को आ जाओ, नृत्य का दरबार में पेश हो जाएगा। मंत्री जी, नृत्य की को मुंह मां का इनाम दिया जाए। हमारी रानी बहुत दरिया दिल है, मांगो जो भी आप मांगना चाहते। मांगूंगी, जरूर मांगूंगी, पर पहले तीन वचन भरो। हाँ, हमने तीन वचन दिए, बोलो क्या मांगना है? क्या सोच रही हो? मांगो।
डरो मत, जो मांगोगी वही मिलेगा। कुछ नहीं रानी साहिबा, मैं ये सोच रही हूँ अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मैं आपके राज सिंहासन में बैठ के पखाना करना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो नाचने वाली, अपने औकात में रहकर बात कर। मुझे अपनी औकात याद है, आप वचन हार जाइए, मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, हमें सोचने का मौका दो। मौका कुछ नहीं, आज का टाइम है आपके पास। ठीक है हम वचन हारे नहीं होंगे, हमें सोचने का मौका दो। आज ये हमारी राजगद्दी पे बखाना करना चाहती है, कौन सहेगा ये अपमान? कोई सहन नहीं करेगा रानी साहिबा, मगर इसकी काट हमारे पास नहीं। सब मंथन करो, इस बेइज्जती से कैसे बचा जाए। रानी साहिबा, गुस्ताखी मत, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं। तुम चुप रहो, तुम चोर हो चोर। नहीं, बोलो क्या कहना चाहते हो। रानी साहिबा, अगर मेरे बहनोई शेख चिल्ली जी को बुला लिया जाए तो कोई समाधान निकल सकता है, वो बहुत अल्लाह वाले हैं। ठीक है मंत्री जी, अदब के साथ शेख चिल्ली को लाया जाए। सचिली, हाँ मंत्री जी। रानी साहिबा ने बुलाया। क्यों, अब क्या बात हो गई? क्यों बुलाया रानी साहिबा ने? सेठ जी तुम अपने घर पर चलो, खामोखा की आफत मत बोल लो। नहीं, तुम्हें घर नहीं जाना, मैं रानी साहिबा का फरमान सुनना है। क्या फरमान सुनना? भाई जान हम रानी साहिबा को तुम खेलो, अब माफ करो। हमने कुछ नहीं किया जी, हमें क्यों बुलाया? हमने तो खामोखा आफत और मोल ले ली। सेठ जी तुम अपने घर को चलो, कोई जरूरी काम है इसलिए बुलाया है। नहीं नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। ठीक है रुपया, चलो। देखो रानी जी, ये तो अपने घर चले जाते, ये तो मेरी वजह से रुके हुए हैं। डरो मत, हमने तुम्हें एक सलाह के लिए बुलाया है। क्या सलाह? कोई शेख चिल्ली से? देखो हमने खुशी में खुश होकर नाचने वाले भाई को तीन वचन देकर इनाम देने की घोषणा की है। ठीक है तो रानी साहब दे दो, मेरे पास ये दे रहे तू, मैं तो गरीब आदमी हूँ। तुम्हें कुछ नहीं देना तो बोलो और क्या करना। देखो शेख जी, नाचने वाली बाई हमारी गद्दी पर पखाना करना चाहती है। क्या ये बात हम पहली बार सुन रहे हैं? अगर हम वचन हारते हैं तो हमारे राज्य की नाक कट जाएगी। रानी साहिबा, अगर मुकर जाए तो हमें वचन हार ही होना पड़ेगा, हमें जलील करके जाएगी। और जलील करके जाएगी कहाँ नाचने वाली? अच्छा तो तुमने यहाँ डांस दिखाया, तुम हो नाचने वाली। जो तुमने वचन मांगे हैं तो तुम अपने वचनों पे टिकी हुई हो, मतलब जमी हुई हो, वचन पूरे करवा के मानोगी। हाँ हाँ, अगर रानी साहिबा वचन हार जाए तो मैं चली जाऊंगी, वरना पखाना मैं राजगद्दी पर ही करके जाऊंगी। ठीक है, आपके वचनों को रखा जाएगा। रानी साहिबा, आप अपनी गद्दी से एक शहर हो जाए। और बताओ जी क्या करना? राज गद्दी पर पर्दा करा दो, हम बैठ के पखाना करेंगे। ठीक है पर्दा भी करा देंगे, तसल्ली रखो। एक बात बताओ नाचने वाली, आपका राज गद्दी पर पखाना करना तय है ना वचनों में? हाँ जी हाँ, वचन में है। ठीक है, आप अपने वचन पूरे करो, राजगद्दी पर पखाना करो,
लेकिन एक बात सुन लो, पखाना पखाना है। अगर आपने पेशाब किया तो इसकी सजा मिलेगी, क्या मंजूर है? ये क्या बात हुई जी, पेशाब तो पखाने में आता ही है। नहीं नहीं, पेशाब पखाने में आता है लेकिन पखाने में पेशाब नहीं आता, इसलिए आपका सिर्फ पखाना तय है। सेठ जी मुझे माफ कर दो। रानी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए। रानी साहिबा सुन लिया आपने, आप अपनी राजगद्दी पर बैठिए और अपना फैसला सुनाइए। इस नाचने वाले को हमारा अपमान करने की सजा दी जाएगी, 10 साल की सजा, और शेख चिल्ली को हमारे राज्य की इज्जत बचाने के लिए वो महा इनाम दिया जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए रानी साहिबा। नहीं नहीं, मांगो, जो मांगना है आज मिलेगा। रानी जी, अगर आप यही बात कह रही हैं, अगर तुम कहो तो मांगू। हाँ हाँ, मांगो, दिल खोल के मांगो। रानी जी, अगर देना ही है तो इन चारों को और इस नाचने वाले को माफ कर दो। ना जाने ऐसी बातें सुनकर ये बुरे काम छोड़ दे और अच्छे इंसान बन जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए इससे ज्यादा। हाँ रानी जी, हम तो डर ही गए थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपने घर जाना है। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है।